हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग एल एन एम यू एम ए इंग्लिश का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2019 के एग्जाम में पूछा गया था तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जो है आपको इसमें टेन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वो क्वेश्चन था हु इज द फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड थॉमस किड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था बेल इंपेरिया इज अ कैरेक्टर इन द प्ले तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड द स्पेनिश ट्रेजडी नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डू नॉट फिगर इन द डचेज़ ऑफ मालफी तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड सीलिया नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डचेज़ ऑफ डाली इज तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट right आंसर हो जाएगा फॉर दि नर्ट सिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन वाल वाले नैनो इज तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉल्फ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था व्हाट इज द अदर टाइटल गिवेन टू वाल पोने तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड द फॉक्स नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था फ्लोरिंडा एंड हेलेना आर द कैरेक्टर्स इन तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द रोवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था द रोवर इज अ प्ले इन तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड टू पार्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था हुईल्ड बाय फर्स्ट तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट right आंसर हो जाएगा गैवेस्टन और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था इन एडवर्ड द सेकेंड द बैरोन्स एंड द आर्की सॉफ्ट ऑफ़ कैंटरबरी आर मोर पावरफुल दैन तो इसका राइट आंसर जो है एम नॉट स्योर इफ़ यू नो द आंसर डू टेल मी इन द कमेंट तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इसका आंसर जो है मैं स्योर नहीं हूँ अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताऊँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेन एनी फोर क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट यहाँ से जो है किसी फोर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखना है तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहला नंबर जो एक्सप्लानशन पूछा गया है ये एक्सप्लानशन आप देख लीजिए ये एडवर्ड द सेकेंड में से पूछा गया है एक्सप्लानेशन नंबर जो बी है ये भी आपको एडवर्ड द सेकेंड में से पूछा गया है नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन नंबर सी है ये आपको द डेज ऑफ मालफी में से पूछा गया है एक्सप्लेनेशन नंबर जो डी है ये आपको ये भी जो है द डेज ऑफ मालफी में से पूछा गया है एक्सप्लेनेशन नंबर जो ई e है ये जो है मैं श्योर sure नहीं हूं तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नंबर जो एफ है ये आपको द स्पेनिश ट्रेजिडी में से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है आंसर एनी थ्री क्वेश्चन यहाँ से जो है आपको किसी थ्री क्वेश्चन का आंसर देना है एक क्वेश्चन ट्वेल्व मार्क्स का है और थ्री का आंसर देना है तो थर्टी सिक्स मार्क्स का है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस द ऑफ मालफी एज रिवेंज प्ले और वेबस्टर वाज अ जीनियस गॉन एज ट्रे डू यू एग्री गिव अ रीजनड आंसर विथ रेफरेंस टू द ड मालफी क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया था कंसिडर वालपोने एज अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स और इन वालपोने सटायर कॉमिक एंड ट्रेजिक इंपल्सिस आर इन यूनिशन एम्प्लीफाई क्वेश्चन नंबर सी पूछा गया था हाउ फार एडवर्ड द सेकेंड द कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजिडी डिपिक्टेड इन द प्ले गिव अ रीजनड आंसर विथ रेफरेंस टू एडवर्ड द सेकेंड और एडवर्ड द सेकेंड इज अ मास्टर पीस ऑफ मार्लो इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट इल्यूसिडेट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस बेंस आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विथ रेफरेंस टू द रोवर और एग्जामिन द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले द रोवर नेक्स्ट क्वेश्चन ई में पूछा गया था डिस्कस द स्पेनिश ट्रेजेडी एज अ टिपिकल सेनेकन ट्रेजेडी और Uh, evaluate thomas kid's art of characterization with reference to the uh, spanish tragedy i hope you enjoyed the lesson if you liked the video do subscribe my channel and press the bell icon you can also join my telegram channel you will find the link in the description thanks for watching